चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। जब 2013 में दंगा हुआ, मैं 12th में पढ़ती थी। जब मैं 12th में पढ़ती थी तो मैं ITBP की तैयारी कर रही थी अपनी। मेरा सपना था कि मैं या तो मिलिट्री में जाऊं या मैं पुलिस में भर्ती हूं। तो जब दंगा हो गया तो मैं लगातार तैयारी कर रही थी अपनी। तो दंगा हो गया, दंगे के बाद कुछ ही दिन बीते तो मैं अपने गाँव में आई। जैसा माहौल था वो देखा नहीं, मेरी तैयारी हो नहीं पाई। तो सबसे बड़ी मुश्किल तो यह, मेरा सपना अधूरा रह गया। दंगा हुआ उस टाइम पे सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। सुनने में आ रहा था कि वहाँ कवाल में पंचायत हो रही है, सब रही। और जिस दिन ये दंगा हुआ उससे एक दिन पहले भी मैं अपने आंगनवाड़ी सेंटर पे थी और खूब हंसी मजाक चल रहा है। और फिर जब दंगा हुआ उसके बाद सब ऐसे अलग अलग हो गए। आज भी मैं यहाँ हूँ लेकिन कभी कभी दिल करता है ना बात करने, पता नहीं क्या चीज़ है कि मुझे रोकता है। पहली बार मैंने टीवी पर अपना घर चलता है देखा, मुझे ऐसा लगा कि बस जिंदगी खत्म। ये 2013 सन 17 सितंबर की बात है। हमारे पैरों में ना चप्पल थी ना हमारे बदन पे कपड़े थे, तो हमें इस मुसीबत में निकल के आए थे वहाँ से। तो फिर हमने क्या किया, ऐसे तो गुजारा नहीं होना हमारा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा हमें। तो फिर हमने मजदूरी की। फिर वो आपको, अगर आप देहाती हैं तो आपको ब्लॉक में ले जाना पड़ेगा, उसे सिकटरी की मोर साइन लगवाने पड़ेंगे। तो सब कुछ हो गया, आरटीएस का जन्म प्रमाण पत्र, तो ये सारे कागज हैं। लेकिन जब इसमें वे अंशदान देखे ना बाजी, मेरी ऐसे कलम दे दिया कि इसमें अंशदान नहीं जमा हो रहा, जब भी प्रूफ लगा ना। फिर 2014 में मुझे अफकार इंडिया फाउंडेशन संस्था के साथी मिले, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे जोड़ा। पहले मैं वॉलंटियर के तौर पे काम किया, सीखा, अब मैं अफकार के साथ काम कर रही हूँ। और हमने एक महिला शक्ति संगठन बनाया है, ऐसे कहांदला का और कैराने का महिला शक्ति संगठन बनाया है। उसमें कम से कम हमारी 20 महिलाएँ तो ऐसी मजबूत हैं जो अपने हर अधिकार के लिए और सबके लिए लड़ सकती हैं। ताकि सारी दुनिया को पता चले कि झगड़े होने सही है या गलत है, होने चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर झगड़े किस वजह से हो। हिंदू मुस्लिम बिना वजह लड़े तो मजदूरी कार्ड तो बनवा, वही है। जब कम उम्र है तो मजदूरी कार्ड बनवा, उसे 60 साल तक कम है तो मजदूरी कार्ड बनवा। अभी मैं एनजीओ में काम करती हूँ, फैलो के रूप में काम करती हूँ, महिलाओं को लेकर, महिला मुद्दों को लेकर, यही सब जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उन सबको लेकर। ज़्यादातर मैं फोकस रखती हूँ महिला रोजगार, महिला मुद्दों और लड़कियों की एजुकेशन। मैं अफकार से जुड़ी, उसके बाद हमने फील्ड वर्क करना शुरू करा और फील्ड वर्क इतना करा
कि मैं भूलती चली गई कि मैं खुद भी एक विस्थापित हूँ। दंगे के बाद में पढ़ाई करता था कि फिर मैं इनके साथ भी काम किया, मैं ब्रदर ने काम किया हरियाणा आप जी के साथ, तो ये सामान बांटने के लिए आता था आते थे कि मुझे भी अच्छा लगता था उनके साथ काम करना आपा जी के साथ, ये आते थे कि सामान बांटते थे कि मैं भी इनके साथ जुड़ूँ। मैं कम से कम 6-7 महीने हो गया उससे जुड़ा हूँ।